हीरो था दंगा में और आज सड़क किनारे बैठ करके जूता पॉलिश करता है, जूता सिलता है। अशोक मोची है, इसका एक तस्वीर आप मेरे दाएं तरफ देखिए और दूसरी तस्वीर उसके जस्ट बगल में देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये पहली तस्वीर में ये हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है और दूसरी तस्वीर में ये जूता पॉलिश करते हुए आपको नजर आएगा। इस दंगे फसाद से किसी को कुछ फायदा हुआ है? आज तक हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार या दलित समाज का कोई ठेकेदार मुझे कभी मिलने नहीं आया। और इसने शादी नहीं किया इस डर से कि हम हिंदू पैदा हुए हैं लेकिन अपने बच्चों को हिंदू पैदा नहीं करेंगे, हम दलित पैदा हुए हैं लेकिन अपने बच्चों को दलित पैदा नहीं करेंगे। लेकिन 20-21 साल में मैंने को हिंदू होने का और दलित होने का जो अनुभव हुआ है ना, मैं हिंदू धर्म में और दलित समाज में बच्चे पैदा नहीं करूंगा, इसलिए शादी नहीं की। हाँ, समझ गए आप। उसने बताया कि किस तरीके से धर्म के नाम पर हमने तांडो मचाया और उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं और जिन लोगों ने हमसे ये सब कुछ करवाया वो आज मेरे साथ कहाँ खड़े हैं। रामनवमी जुलूस के बाद बिहार में सासाराम और नालंदा में क्या कुछ हुआ पूरे बिहार ने देखा, पूरे देश ने इस तस्वीर को देखा कि किस तरीके से धर्म के नाम पर, सांप्रदायिकता के नाम पर इंसानियत का कत्ल हुआ, इंसानियत को लोगों ने मार दिया। इंसान की हत्या हुई नहीं हुई अलग मामला है लेकिन इंसानियत इन घटनाओं में मरती है और नालंदा में, बिहार शरीफ में यही हुआ। क्या घटना करने वाले कभी सुखी संपन्न रह पाए हैं? जो लोग भी दंगा में शामिल होते हैं उनका क्या हश्र होता है? और जिन लोगों के इशारे पर दंगा होता है, जो लोग आपके आगे करके आपसे दंगा फसाद कराते हैं, क्या वो आपके साथ खड़े रहते हैं? कल बजरंग दल के संयोजक, जिला संयोजक कुंदन गिरफ्तार हुआ जो मुख्य आरोपी माना जा रहा है पूरे बिहार शरीफ की घटना का। और जब वो गिरफ्तार हुआ उस समय उसके चेहरे पर सिकम थी, डर था और इस चीज़ का डर था कि अब मेरे साथ क्या होगा। नहीं कि उसको भी पता है कि अब मेरे पीछे कोई आने वाला नहीं है, चाहे हिंदू विश्व परिषद हो, बजरंग दल हो, RSS हो, अब जो भी तबाही उसने मचाई उस तबाही का भरपाया उसको खुद करना है, उसके परिवार को खुद करना है। उसी घर की कुर्की जब्ती हो गई। हम आज जो आपको दिखलाने आए हैं कि क्या इस दंगा से आज तक किसी को कोई फायदा हुआ है, सबसे पहले हम आपको बतलाएंगे अशोक मोची की वो हालात जो 2002 गुजरात दंगे का पोस्टर बुआया हुआ करता था, जिसकी तस्वीरें हर तरफ वायरल की गई। विश्व हिंदू परिषद, बजरंग दल, RSS जैसे संगठनों ने उसको हीरो बनाया लेकिन आज वो क्या कर रहा है आप देखिए कि वही अशोक मोची है। इसका एक तस्वीर आप मेरे दाएं तरफ देखिए और दूसरी तस्वीर उसके जस्ट बगल में देखिए। ये तस्वीर देखिए, ये पहली तस्वीर में ये हिंदुत्व का पोस्टर बॉय है और दूसरी तस्वीर में ये जूता पॉलिश करते हुए आपको नजर आएगा। क्यों है इसको जूता पॉलिश करना पड़ रहा है आपको बताया? लोगों में कुछ नहीं है, लोगों में कोई कौमवाद नहीं है, कोई जातिवाद नहीं है, हिंदू मुस्लिम सब एक दूसरे के साथ में मिलजुल के रहते हैं। लेकिन ये लोग ही कौमवाद और जातिवाद चलाते हैं, पॉलिटिकल पार्टियाँ चलाती है, इलेक्शन के टाइम पे चलाती है, धर्म के नाम पे चलाती है। अभी इलेक्शन आएगा तो हिंदू मुस्लिम का हो जाएगा, जाति जाति का हो जाएगा, पटेल का, ठाकुर का, इसका इसका वो सब चलेगा, कौन से एरिया में कौन सा है, पटेल है, ठाकुर है, मुस्लिम है, दलित है, ये वो है, ये चलाते हैं, पब्लिक में कुछ नहीं होता ऐसा। नौबत ये है कि अशोक मोची आज अपने धर्म त्याग की बात करता है। मैं हिंदू धर्म का और दलित समाज का दोनों का त्याग करूंगा। हिंदू धर्म में दलित की कोई कीमत नहीं है और दलित समाज में गरीब की कोई कीमत नहीं है। उसने बताया कि किस तरीके से धर्म के नाम पर हमने तांडो मचाया और उसके बाद से हम क्या कर रहे हैं और जिन लोगों ने हमसे ये सब कुछ करवाया वो आज मेरे साथ कहाँ खड़े हैं। आप पहले अशोक मोची को सुनिए। कई लोग मेरे इंटरव्यू ले गए, केरला, पंजाब, बार बार के कई लोग आ गए, लेकिन आज तक मैं अहमदाबाद, गुजरात के सबसे बड़े सिटी अहमदाबाद के रोड पर बैठा हूँ, आज तक हिंदू धर्म का कोई ठेकेदार या दलित समाज का कोई ठेकेदार मुझे कभी मिलने नहीं आया। तो ये अशोक मोची है जो आज गुजरात के फुटपाथ पर बैठ करके जूता पॉलिश कर रहा है, जो कल तक हिंदुत्व का सबसे बड़ा पोस्टर बॉय था, जो हीरो था, आज जूता पॉलिश कर रहा है। और इसने खुल करके अपनी बातों को कहा है कि 20 साल बीत गए, 2002 का मामला था, गुजरात चुनाव, विधानसभा का चुनाव के दौरान हमारी टीम जब गुजरात गई थी तब इससे बातचीत हो रहा था। इसने कहा कि किस तरीके से हम बर्बाद हो गए और इसने शादी नहीं किया इस डर से कि हम हिंदू पैदा हुए हैं लेकिन अपने बच्चों को हिंदू पैदा नहीं करेंगे, हम दलित पैदा हुए हैं लेकिन अपने बच्चों को दलित पैदा नहीं करेंगे। लेकिन 20-21 साल में मैंने को हिंदू होने का और दलित होने का जो अनुभव हुआ है ना, मैं हिंदू धर्म में और दलित समाज में बच्चे पैदा नहीं करूंगा, इसलिए शादी नहीं की। हाँ, समझ गए आप। अशोक मोची का दर्द है जो हमने दिखाया, जो हीरो था दंगा में और आज सड़क किनारे बैठ करके जूता पॉलिश करता है, जूता सिलता है। तो अब आप लोग बताइएगा कि क्या इस दंगे फसाद से किसी को कुछ फायदा हुआ है?
पहले आपको हमने अशोक मुची को सुनाया जो दंगा फसाद का हीरो था, पोस्टर बॉय था, आज जूता पॉलिश कर रहा है। धर्म के नाम पर लड़ाई लड़ना, अगर लड़ाई लड़ने से कुछ मिलने वाला होता तो आज इतने बड़े बड़े यूनिवर्सिटी नहीं खुले होते, इतने बड़े बड़े लोग विद्वान नहीं हुए होते, और एक दंगाई बताइए जिसको किसी भी राष्ट्रीय सम्मान से सम्मानित किया गया हो। लेकिन हजारों से लोग हैं जो पढ़ लिख लिए, गरीब थे, उनके पास कुछ नहीं था, खाने को नहीं था, कपड़े नहीं थे, लेकिन आज वो लोग सरकारी सम्मान से सम्मानित होते हैं, राष्ट्रपति उनको सम्मानित करते हैं। तो हमारा समाज किधर जा रहा है, और जो माँ बाप अपने बच्चों को इन संगठनों में जोड़ते हैं, जरा उनको उनसे भी सवाल रहेगा कि आप लोग बताइएगा कि आज जो आपका बच्चा जब जवानी के उम्र में है, जब उसको पढ़ना चाहिए था, 18 से 20, 25, 26 साल की उम्र में वो दंगा फसाद कर रहा है, जो जब वो अशोक मोची के उम्र में पहुँचेगा तब उसके साथ क्या होगा। घटनाएँ घटती है, इससे किसी को फ़ायदा होता है, और क्या इसमें पढ़े लिखे लोग शामिल होते हैं? सबसे अधिक आप पाइएगा कि वही लोग हैं जो कम पढ़े लिखे हैं, या फिर उनको अपने बारे में, अपने फ्यूचर के बारे में पता नहीं है, उनको अपने अधिकार के बारे में पता नहीं है, वही लोग ऐसे घटनाओं में शामिल होते हैं। और उसके बाद जिस तरीके से कुंदन अपने घर परिवार के लिए चिंतित है, ऐसे ही चिंतित रहता है, लेकिन उसके जहर दिमाग में ऐसा जहर डाला जाता है कि जब वो घटना करे, जब उसके हाथों में हथियार हो, जब उसके सामने दूसरे संप्रदाय के लोग हो जो जिसके लिए उसको तैयार किया गया है, तब वो कुछ नहीं सोचे कि उसके परिवार के साथ क्या होगा, उसके साथ क्या होगा, उस माँ बाप के सपनों का क्या होगा जिसने उसको 9 महीने, जिस माँ ने उसको अपने कोख में पाला, बाप ने उसको पढ़ाया लिखाया, बड़ा किया, उसके सपनों का क्या होगा। बस इसके आँख में वही सपना होता है जो सांप्रदायिक संगठनों के द्वारा इसको दिखलाया जाता है। बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा, फेसबुक पर वीडियो शेयर कीजिएगा, यूट्यूब देखते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। धन्यवाद।